आपने फर्श से अर्श तक पहुंचा देने वाली कई कहानियां सुनी होंगी, जिनमें कई वास्तविक यानी सच पर भी आधारित होंगे। मैं आज से इस चैनल पर हर हफ्ते ये खास एपिसोड आपके लिए लेकर आऊंगा। एक कहानी ऐसी भी जिसमें आप समाज के कई अलग अलग पहलुओं को बखूबी समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की पहली कहानी से, जो बिहार के समस्तीपुर जिले के बिथान गांव से एक लड़के की है, जो अपने गांव की सरहदों से कहीं आगे के सपने संजो लेता है। गांव में ही मेडिकल स्टोर चलाने वाले पिता का ये बेटा पढ़ाई में बचपन से ही होशियार था। उसकी शुरुआती पढ़ाई के नतीजे देखकर ही उसके पिता ने यह तय कर लिया था कि बेटे को एक खास मुकाम तक पहुंचाएंगे। और शिवम कुमार नाम के इस बेटे में भी बाप की ख्वाहिश को मंजिल तक पहुंचाने का एक जुनून था। तो शिवम ने भी अपना टारगेट सेट किया और देश की सबसे मुश्किल इम्तिहान में शामिल हो गया। अपने गांव बिथान से ही शिवम ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और उसके मजबूत इरादों की वजह से उसे देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक IIT खड़गपुर में एडमिशन भी मिल गया। साल 2017 में शिवम ने यहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक शानदार जॉब मिल गई। हालांकि यहां तक पहुंचना भी आज देश के लाखों करोड़ों युवाओं का, बेरोजगारों का ख्वाब है। शिवम का इस फील्ड में बेहतरीन करियर आगे बढ़ रहा था, लेकिन शिवम की मंजिल कहीं और ही थी। और उसके जहन में वो ख्वाब जो उसने अपने गांव की हदों से बहुत आगे के संजोए थे, उसे झिंझोड़ रहे थे। उसे शामिल होना था उन लोगों में जो बदलने की ताकत रखते हैं समाज की बदहाली को। और फिर क्या था, शिवम ने तय किया कि वो देश के सबसे मुश्किल यानी UPSE के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करेगा। शिवम की सोच के पीछे उसके वालिद यानी उसके पिता का बहुत अहम रोल रहा। दरअसल शिवम के वालिद प्रदीप टेरीवाल कई सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। वो अक्सर शिवम को प्रेरित करते थे कि एक IAS अधिकारी समाज में किस तरह बदलाव ला सकता है। आप जानते ही होंगे IAS की परीक्षा की तैयारी काफी जटिलताओं यानी मुश्किलों से भरी होती है। ये डगर हर किसी के लिए आसान नहीं है और शिवम के लिए तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नौकरी के साथ ये और भी बड़ा चैलेंज था। पर किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। खैर, अपनी तैयारियों के साथ शिवम ने 2019 में पहली बार UPSC की प्रीलिम्स इम्तिहान दिए, जिसमें वो फेल हो गए। शिवम को एहसास हुआ कि शायद उनकी तैयारी में कोई कमी रह गई होगी और फिर से जुट गए अगले साल की परीक्षा में, लेकिन इस बार भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए और शिवम के लिए काफी बड़ा ये झटका था। लेकिन उन्होंने किसी बुजदिल स्टूडेंट की तरह हार नहीं मानी और ना ही उन्होंने अपने दिल में उन बुरे ख्यालों के लिए दरवाजा खोला जहां से नाउम्मीदियों का सैलाब शरीर की सांसों के साथ एक परिवार की तमाम खुशियों को भी बहा ले जाता है। तो शिवम ने फैसला लिया कि वो हार नहीं मानेंगे और पहले से और ज्यादा तैयारियों के साथ इम्तिहान दिया। और इस बार शिवम इंटरव्यू के राउंड तक पहुंच भी गए, लेकिन किस्मत को अभी उन्हें और बहुत कुछ सिखाना था और वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। लेकिन बावजूद लगातार नाकामयाबियों के शिवम ने अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया और उन्होंने चौथी बार UPSC के इम्तिहान दिए और इस बार रिजल्ट आया तो कहानी बदल चुकी थी। शिवम को कामयाबी मिल चुकी थी, UPSC में उनकी रैंक 309 आई थी। हालांकि इस रैंक को हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन शिवम के हौसले इस रैंक से कहीं ऊपर थे, लिहाजा शिवम ने पांचवी बार फिर कोशिश की और इस बार कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी और शिवम के लगातार नाकामयाबियों से
भी ना टूटने वाले हौसले और मेहनत ने उनका साथ दिया और साल 2023 में यूपीएससी के इम्तिहान में 19वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार, अपने गांव बिथान और जिले के नाम मान सम्मान को उस रैंक पर पहुंचा दिया जहां आज उनसे हर वो युवा एक नई प्रेरणा की, एक नई ऊर्जा हासिल करेगा जो मुश्किलों के सामने अपने हौसलों को जहर देकर नाउम्मीदी की चिता में हमेशा के लिए जलाकर राख कर लेते हैं। और आखिर में इस सच्ची कहानी का अंत कवि वृंद रचित व्रत सतसई के मशहूर दोहे से करना चाहूंगा। वृंद सतसई ने कितनी खूब बात कही है, करत करत अभ्यास थे जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। कमेंट में हमें इस दोहे का जरूर अर्थ बताएं, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी लैंग्वेज में जरूर इसका अर्थ बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी हम बार बार लेकर आते रहें और इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी से अगर आपके एक शेर से एक नौजवान, एक जिंदगी भी हम बचा पाते हैं या एक जिंदगी को भी कामयाब कर पाते हैं तो शायद आप और हम मिलकर ये बहुत बड़ा काम करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट